हेलो फ्रेंड्स, लनवन की एक्सेल सीरीज़ में अब हम आ गए हैं काउंट इफ़ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंट इफ़। काउंट इफ़ मतलब काउंट करें अगर हमारे पास कोई स्पेशल कंडीशन है तो। फ़िलहाल के लिए मुझे एफ़ और जी कॉलम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ हाइड। उसके बाद नीचे स्क्रॉल बार के अंदर थोड़ा सा जूम, सो दैट हम इजीली सब कुछ देख पाए। अब मुझे ये चाहिए, यहाँ पर मेरे पास एक और टेबल है, इसके अंदर मेरे पास कुछ सिटीज़ हैं, उसके सामने मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन लगाना होगा। फंक्शन लगाने के लिए, जैसे कि हम फंक्शंस देते थे नॉर्मल, इक्वल टू हमारा फंक्शन है काउंट इफ़। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स है, रेंज। तो यहाँ पर हमको इस सिटी को कंपेयर कराना है हमारी किस सिटी के साथ, कॉमा इस सिटी के साथ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखते हैं यहाँ पर हो गया 14। ऐसे ही अगर मुझे बाकी की सिटीज़ के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ। सो एक बार फार्मूला देखें तो यहाँ पर आता है, सबसे पहले मुझे वो कॉलम देना होगा जहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए, उसके बाद वो रेफरेंस वैल्यू जिसके साथ मुझे कंडीशन देना है। तो यहाँ पर ई कॉलम में जहाँ जहाँ पर भी इंदौर सिटी लिखा हुआ है, वो उसकी वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर काउंट करके रिटर्न कर देता है। अब इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करें, और अब मुझे चाहिए कि मेरे पास सिटी के हिसाब से सैलरी का सम होके आ जाए। फिर से हम इस कॉलम को थोड़ा छोटा कर देते हैं और सैलरी के कॉलम को हम बड़ा कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए कि इंदौर की सैलरीज़ का सम कैलकुलेट होकर यहाँ आ जाए। तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, इक्वल टू सम इफ़। सम इफ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको एक कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज़ का सम कराना है। तो मुझे किस रेंज की वैल्यूज़ के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ सिटी के कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। मेरा क्राइटेरिया क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया है ये इंदौर, ठीक है। और सैलरीज़ कहाँ से कैलकुलेट होके आने वाली है, अगेन एच कॉलम से। सो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इंदौर की सैलरीज़ का सम यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है। और मुझे सारे सिटीज़ के लिए करना है, तो मैं उसे पूरे ड्रैग करके पूरे कॉलम के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया था काउंट इफ, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है सम इफ। अब हम यहाँ पर एवरेज भी करा सकते हैं यूजिंग एवरेज इफ। सो एवरेज इफ कैलकुलेट करने के लिए उसी तरह से पहले इक्वल टू, फिर एवरेज इफ ब्रैकेट। यहाँ पर भी हमें तीन पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहले मेरा एवरेज आएगा किस में से, तो मैं सिटीज़ के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वो, कॉमा। मुझे किस सिटी का एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है उसे सेलेक्ट करते हैं, कॉमा। और किस चीज़ की एवरेज वैल्यू, यानी कि सैलरी, और एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो इंदौर के लिए एवरेज सैलरी है 288,57.14286। अगर आपको अपने डेसिमल डिजिट्स यहाँ से एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा के कम करके रख सकते हैं। सो इस तरह से हमारा एवरेज इफ कैलकुलेट हो गया। और अब मैं इसे पूरे कॉलम के लिए एक्सटेंड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद के लिए हमारी एवरेज सैलरी है 41,200। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मैं काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ को यूज़ कर सकता हूँ।